तो लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं, इसके अंतर्गत हमने अभी तक ये जाना कि लेखापालकों को जब कभी भी कोई समस्या हुई, उन्होंने उसका एक हल निकाला और अन्य लेखापालकों से उसको डिस्कस किया। बाकी लोगों की जब स्वीकृति मिली तो उसी को हमने नियम और सिद्धांत माना। धीरे धीरे जब इसे ज्यादातर लोग मानने लगे, या यूं कहे कि सर्व मान्यता मिल गई, तो वह ही एक नियम जो था उसे अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट कहा गया। ठीक है, लेखा शास्त्र आप सभी लोग जानते हैं कि ये मानव द्वारा निर्मित विज्ञान है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत भी नेचुरल नहीं है, ये भी कैसे है, मानव निर्मित है। मानव निर्मित यानी कि मैन मेड। ठीक है, आप पाएंगे कि इस विज्ञान में कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जो निश्चित है, मतलब जिनमें कारण और परिणाम सिद्धांत लागू होता है जैसे कि बाकी विज्ञान में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनिश्चित है। इसका मतलब क्या है, कुछ में परिणामों का ठीक ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछ में लगाया जा सकता है, कुछ में नहीं लगाया जा सकता है। तो जिनमें नहीं लगाया जा सकता है उसमें जो लेखा बालक हैं उनके मतैक्य नहीं है। मतैक्य का मतलब है जिनके जिनमें मत एक जैसे नहीं है। मतैक्य एक हिंदी का शुद्ध तत्सम शब्द है जो संधियों से बना है। मतैक्य माने मत एक, यानी जिनमें उनकी सहमति नहीं है, वो एक मत नहीं। ठीक है, यह अनिश्चित सिद्धांत परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार अपनाए भी जाते हैं और छोड़े भी जा सकते हैं। ये फर्म टू फर्म और अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट डिपेंड करेगा कि आप ये जो अनिश्चित सिद्धांत हैं इन्हें अपने यहाँ लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, समय और परिस्थिति में आप इनमें मोडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो निश्चित सिद्धांत है उनमें कोई मोडिफिकेशन नहीं होते। उनमें अनिवार्यता का तत्व शामिल होता है, वो ऐच्छिक भी नहीं होता है। तो निश्चित सिद्धांत, तो अभी तक आपने क्या सुना, लेखा शास्त्र मानव निर्मित विज्ञान है, इसके जो सिद्धांत हैं वह भी मानव निर्मित है, इनमें कुछ सिद्धांत निश्चित हैं और कुछ अनिश्चित हैं। निश्चित सिद्धांत जो हैं उनको पालन करना, उनका पालन करना हर अकाउंटेंट के लिए अनिवार्य है, और जो अनिश्चित सिद्धांत हैं उनको पालन करना या ना करना ऐच्छिक है, या स्थिति परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार आप उनमें यथा आवश्यकता परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो लेखा शास्त्र के ये सिद्धांत हैं, ठीक है, ये जो अन्य नेचुरल साइंसेस हैं, अन्य जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं बाद में, ठीक है, उन सिद्धांतों के समान ये पूर्णतया सही, निश्चित और स्वयं सिद्ध और सर्वमान्य नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मनुष्यों को प्रभावित करता है, ठीक है, और मनुष्यों का जो मन होता है वो जैसा नहीं होता, उनकी मन स्थिति बदलती रहती है। तो इनके सिद्धांत जो है पूर्णतया सही नहीं है। निश्चित हो, स्वयं सिद्ध हो और सर्वमान्य हो ऐसी अनिवार्यता नहीं, हो भी सकते हैं लेकिन ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, तो अभी तक जो बताया क्या वो बात समझ में आ गई है सभी को? ये जो लेखा शास्त्र है ये अपने आप में अन्य जो विज्ञान है उनकी तरह प्योर विज्ञान नहीं है। ये नेचुरल जो अन्य जो प्योर विज्ञान है उन्हें नेचुरल साइंस कहा जाता है, तो जो नेचुरल साइंसेस होती है उनकी तरह नहीं है। ये मानव यानी कि ह्यूमेटेरियन साइंस है, और इसमें जितने भी सिद्धांत होंगे ये पूर्णतया सही हों, निश्चित हों, स्वयं सिद्ध हों, सर्वमान्य हों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी प्रामाणिकता जो है वो प्रयोगशाला में नहीं, प्रामाणिकता की जांच की जाती है, ये प्रैक्टिकल जीवन में इनकी प्रामाणिकता की जाँच होती है, इनका व्यवहार होता है। ठीक है, तो ऐसे में लेखांकन के सिद्धांत तो व्यापक स्वीकृति के आधार पर अपनाए जाते हैं, न कि सर्वमान्यता के आधार। अब इसमें क्या होता है कि सर्वमान्यता का मतलब क्या होता है कि सबके सब लोग उन्हें स्वीकार करें। जैसे जो प्योर साइंसेस हैं, मान लिया मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि पानी का जो फार्मूला होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऐसा कौन है जो इसे नकारेगा, हर व्यक्ति मानेगा। लेकिन जो ह्यूमन साइंसेस होते हैं उसमें सारी बातें हर व्यक्ति स्वीकार करे कि नहीं होता, लेकिन हम ये देखते हैं कि अधिकतर लोग क्या मानते हैं। सर्वमान्यता का सिद्धांत यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, व्यापक स्वीकृति। व्यापक स्वीकृति का मतलब है अगर ढेर सारे लोग उसे स्वीकार करते हैं,
तो उसे सिद्धांत मान लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब इसमें क्या आएगा, व्यापक स्वीकृति के आधार पर कुछ कसौटियां, यानी कि कुछ हम कह लेंगे कि कुछ पैरामीटर्स तय करेंगे कि कोई भी नियम अवधारणा है या नहीं है, प्रिंसिपल है या नहीं है। तो वो कसौटियां कौन कौन सी होती है, अब हम ये जाना। अभी तक हमने इसमें क्या जाना, सारे बच्चे एक बार फिर से सुन लें, मैं हल्का सा रिपीट कर दूं क्योंकि नया टॉपिक है। हमने ये जाना कि ये जो अध्याय है इसमें हम लेखांकन लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं और परंपराएं क्या होते हैं ये जानना चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि लेखापाल उनके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालते हैं। सोल्यूशन जब उन्हें मिलता है तब वो लोगों से डिस्कस करते हैं जाके कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति में हमने ये किया और इससे सोल्यूशन मिला, तो बाकी लोग अगर उससे सहमत होते हैं तो उसको नियम या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और जब उसे धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं, सर्वमान्यता यहाँ बोला गया और नीचे व्यापक स्वीकृत बोला गया, तो जब उन्हें सर्वमान्यता हो जाती, जब उसमें कोई अपवाद नहीं रहता तो कॉन्सेप्ट बन जाता है, ऐसा इन्होंने माना है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट उस व्यक्ति का रहेगा और वह व्यक्ति जो होगा उसी के नाम से उस कॉन्सेप्ट को जाना जाएगा, ध्यान रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मानव निर्मित सिद्धांत होते हैं वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रयोगशाला में उनकी जांच नहीं की जाती। कोरोना का टीका बना तो प्रयोगशाला में पहला चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण, बाकायदा उसे चेक किया गया, टेस्ट किया गया। तो चूंकि ये प्रयोगशाला में नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये कार्यस्थल पर होता है। इनके सिद्धांत जो है उनका निर्माण कहाँ होता है, कार्यस्थल पे होता है, और लैब टेस्टिंग से नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि आप लगातार अवलोकन करते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं चीजों को, ऐसा करने से ये हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, फिर आपने उसे नोट कर लिया, वह आपका नियम बना और जैसे जैसे उसकी स्वीकृति हुई तो वह आपकी अवधारणा बन गई। ठीक है, तो अभी तो आपने इतना समझा, वो ये था कि जो इसके सिद्धांत हैं जो कि वो लैब टेस्टेड नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, तो ये पूरी तरह से सही हो, पूरी तरह से निश्चित हो, सेल्फ स्वयं सिद्ध का मतलब होता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ टेस्टेड हो, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी जांच प्रयोगशाला में नहीं होती। इनमें सर्वमान्यता का गुण नहीं होता, इनमें व्यापक स्वीकृति होती है। सर्वमान्यता का मतलब है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 सहमत हैं, और व्यापक स्वीकृति का मतलब है कि अगर 10 में से 8 सहमत हैं, 9 सहमत हैं, 7 सहमत हैं, तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत बनते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक ये रहेगा कि इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स पे इन्हें चेक किया जाता है। पहला पैरामीटर होता है उपयोगिता या अर्थपूर्णता। तो अगर मेरे जैसा सिद्धांत, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं बगैर दरवाजा खोले खिड़की के बाहर चला जाऊंगा, तो ये जो मेरा मानना था ये अर्थपूर्ण नहीं है, इसका कोई बहुत फायदा नहीं है। अगर दरवाजा लगा है निकल के आने जाने के लिए तो हम क्यों दरवाजा बंद करके उधर निकलने का प्रयास करें। तो हम ये देखेंगे कि उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी अर्थपूर्णता क्या है ना। एक सिद्धांत या नियम उपयोगी तब माना जाएगा जब उसके अपनाने से जो भी जिस व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। लेखापालकों के समक्ष अगर कोई समस्या आती है, अगर उसका समाधान कहीं है तो वह उपयोगिता के पैरामीटर पे सही खरा उतर रहा है। दूसरी बात, विषम जन्यता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी इसका मतलब यह है कि सिद्धांत के प्रयोग से जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं वह ऐसी हैं जो कि बायस्ड नहीं है, यानी कि पक्षपात रहित हैं। जो भी परिणाम आएंगे वह बिल्कुल डेटाबेस्ड होंगे, उसमें व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तभी उसे नियम कहा जा सकता है। नहीं तो वो इंट्यूशन हो जाएगा, मतलब उसकी अपनी सोच हो जाएगी। आप ऐसा कोई नियम बनाइए जिसमें जो आपके सिद्धांत हैं उसमें आपका प्रभाव ना हो, समझ गए, यानी व्यक्ति का प्रभाव, उस सिद्धांत को उपयोग में लाने वाले व्यक्ति का असर उस पर ना दिखे परिणाम पे, तो ही उसे कहा जाएगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जो व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो करता होता है, उसका असर भी दिखता है परिणामों में। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में व्यक्ति का कोई असर नहीं दिखता, केवल और केवल जो वहां पे पैरामीटर्स, जो फैक्टर्स, जो एलिमेंट हैं, वो जिस रूप में यूज में लाए जा रहे हैं उसी के आधार पर परिणाम तय होते हैं। तो विषम जन्यता का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो भी लोग प्रयोग कर रहे हों उन सिद्धांतों का,
उनके व्यक्तित्व का, उनकी मन स्थिति का उस पर असर ना हो, समझ में आती है। और साध्यता का मतलब है फिजिबिलिटी, सिद्धांत आप ऐसा लाइए जो आसान हो, सरल हो, प्रयोग में लाया जा सकता हो, इतना जटिल ना हो कि उसका प्रयोग करना ही संभव असंभव हो जाए, बस समझ में। तो इस तीन तरह के पैरामीटर के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, ये जनरल बात है। तो लेखा शास्त्र के सिद्धांत होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार है यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज बच्चों हम लोगों ने केवल विषय प्रवेश किया है, आज हम केवल विषय में हमने एंट्री दी है। मैं आपको इन सिद्धांतों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, आज आप इनकी रीडिंग करेंगे और कल आप इनके बारे में मुझसे पूछेंगे अगर आपको कोई दिक्कत होगी। पहला है रूढ़वादिता का सिद्धांत। रूढ़वादिता वो होती है जिसमें हम कोई तर्क नहीं लगाते, जिसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ इसलिए उन्हें हम अप्लाई करते हैं क्योंकि वो अप्लाई किया जाता रहा है हमारे सीनियर्स के द्वारा, ठीक। तो अकाउंटेंसी में रूढ़वादिता का सिद्धांत क्या है कि स्कंद, विनियोग और स्थायी संपत्ति, इन तीनों को लागत मूल्य पर ही चिट्ठे में दर्शाया जाता है। ये एक रूढ़ी है, मतलब एक प्रथा है, परंपरा है, जिसे फॉलो किया जाता रहा है और आगे भी फॉलो किया जाता है। आज भी मुद्रा स्फीति होते हुए भी खाते वर्तमान मूल्य पर नहीं लिखे जाते। आपको पता है ना कि हर दिन महंगाई बढ़ती है। एक महीने पहले जो आपने सामान खरीदा था, जो आपके गोडाउन में लगा हुआ है, आप उसे उसी प्राइस पर लिखते हैं, जबकि एक महीने बाद हो सकता है प्राइसेस बढ़ गए हों। तो अगर हम स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसे वर्तमान मूल्य पर करें, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन अकाउंटेंसी में ये रूढ़वादिता है कि चाहे स्टॉक हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे हमारी फिक्स्ड असेट हो, जैसे बिल्डिंग, अगर आज से हमने 10 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी तो हम उसे 10 लाख पर ही अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे आज उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा उसके आधार पर अपडेट नहीं करते। इसे हम रूढ़िवादिता का सिद्धांत देते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा है पूंजी व आयगत व्यवहारों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। दो तरह के ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ बिजनेस में माने जाते हैं। एक वह ट्रांजेक्शन जिससे व्यवसाय की संपत्तियां बढ़ती हैं, ठीक है, या दायित्व तो बढ़ते हैं, उन्हें पूंजीगत कहा जाता है, और जिससे इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, वह सब आयगत कहलाते हैं, ठीक है। यूं कह लें कि जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है वह पूंजीगत है, जिसका प्रभाव कम समय तक रहता है वह आयगत है। डिटेल में हम इसे बाद में जानेंगे। तो इन्होंने बताया कि यदि ऐसा विभाजन आप नहीं करते हैं तो चिट्ठा उचित व सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा, ये एक सिद्धांत है। यानी कि हमारे यहाँ दो ही तरह के ट्रांजेक्शन माने जाएंगे जब हम अकाउंटिंग का कार्य करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने वो ट्रांजेक्शन आएगा तो दिमाग लगाएंगे कि ये पूंजीगत है या आयगत है, ठीक है। इसे डिटेल में हम जानेंगे, अभी केवल इतना समझेंगे कि पूंजीगत और आयगत का बंटवारा होता है, और इसी बंटवारे के आधार पर ही हम इसका लेखा करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ बातें हैं पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी। इन्होंने बताया है कि पूंजीगत और आयगत कौन से होते हैं। अभी मैं ये देखता हूँ कि आपकी एनालिटिकल स्टडी की स्किल्स कैसी हैं, एक बार पढ़िए और कल आपसे सवाल मैं करूँगा कि पूंजीगत क्या होते हैं और आयगत क्या होते हैं। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण बाकायदा दिए, देखेंगे कि आप कितना एनालिटिकल स्टडी करते हैं। लाभ और आय के निर्धारण का सिद्धांत, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि इनकम और लाभ दो चीजें हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये कैसे तय होगा, ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। स्थायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, देखिए अलग अलग सिद्धांत है जिन्हें आप अपनाते हैं बिजनेस में। जैसे ह्रास लगाने की बहुत सारी विधियां हैं, ह्रास का मतलब संपत्ति खरीदते हैं, साल भर बाद उसकी कुछ कीमत में कमी होती है, तो हम वो जो कमी लगाते हैं उसके लगाने की कई विधियां हैं। हम कोई भी एक विधि अपनाएं तो हम लगातार उसे ही अपनाएं, ये सिद्धांत ये कहता है। हम एक बार एक सिद्धांत एक विधि अपनाएं डिप्रिसिएशन की, अगले साल दूसरी विधि अपना लें, उसके अगले साल तीसरी विधि अपना लें, अकाउंटेंसी में ये ठीक नहीं माना जाता जब तक कोई उचित कारण ना, ठीक है। आप एक ही मेथड अपनाएं, मेथड बार बार ना बदलें, इसे स्थायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत ये कहता है कि आप केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का लिखा करेंगे जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, वो तो चाहे कितने भी महत्वपूर्ण हो, अगर उन सिद्धांतों को आप मुद्रा में माप नहीं सकते हैं तो उन्हें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करें, ठीक है। और लास्ट में आता है स्पष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। ये सिद्धांत सिद्धांत ये कहता है कि जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं जो आप अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज कर रहे हैं,
जहां तक संभव हो उनके बारे में पूरी डिटेल आप दें, जिसे हमने कहा कि स्पष्टीकरण दें, ठीक है। जैसे कि व्यवसाय से संबंधित संभाव्य दायित्व का विवरण चिट्ठे में अलग से लिखा जाता है। संभाव्य दायित्व का मतलब होता है ऐसे कुछ लायबिलिटीज जो अभी नहीं है लेकिन भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर वह दायित्व हो सकते हैं। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी एम्प्लॉय ने हम पे केस किया हुआ है कंपनसेशन का 10 लाख का, अगर हम हार जाएंगे तो हमें 10 लाख देने रहेंगे और अगर हम जीत गए तो हमें नहीं देने रहेंगे। तो ये संभाव्य दायित्व है। दिव्या आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। संभाव्य दायित्व का मतलब क्या होगा कि ऐसा दायित्व, ऐसा कोई केस हमारे ऊपर जो चल रहा है, अगर हम हार गए तो हमें अल्टीमेटली उतना पैसा देना रहेगा, वो हमारा दायित्व हो जाएगा। तो अभी ये दायित्व नहीं है, फिर भी जहां पे हम दायित्व लिख रहे होते हैं वहां न लिख करके, क्योंकि अभी ये लायबिलिटी नहीं है तो हम अलग से उसको नोट के तौर पे लिखते हैं। ये स्पष्टीकरण कर सकते, यानी कि हमें सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं अकाउंटेंट ने देनी चाहिए, जो जो हमें पता है, हम कोई तथ्य छिपाए हैं। तो ये स्पष्टीकरण का सिद्धांत था। इन सारे सिद्धांतों को बहुत गहराई से पढ़िए, मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, आपका काम है वर्ड टू वर्ड पढ़ना, और अगर कहीं पे अटकेंगे तो पूछेंगे। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इनके नोट्स कैसे बनाएंगे, तो मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, उन प्रश्नों को आपको फॉलो करना है। पहला आप प्रश्न लिखेंगे इसमें कि लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो जो ऊपर आपने लिख रखा है लेखा पालकों को जैसे अनुभव हुआ हल निकाला, ये आप लिखेंगे लेखा शास्त्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बात समझ में आ गई, लेखा शास्त्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर रहेगा ये जो यहाँ पर मोटे अक्षरों में शुरुआत में लिखा है। दूसरा आएगा कि लेखांकन के सिद्धांतों की कसौटियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कसौटी मतलब पैरामीटर। तो ये तीन आप पॉइंट्स लिखेंगे, मतलब तीन ही पैरामीटर हैं जिनके आधार पे हम तय करते हैं कि जो है कोई सिद्धांत दरअसल है या नहीं। फिर आप तीसरी हेडिंग मतलब तीसरा प्रश्न लिखेंगे लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो उसमें उसके बाद आप ये बात सभी को समझ में आ गई कि क्या करना है आज गृह कार्य में। यस सर। तो आज पहले पढ़ेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे और गृह कार्य पर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ओके। फिर कहूंगा मन से पढ़िए, बार बार पढ़िए।